स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैपेसिटर क्या काम करता है और हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। देखिए, आपके सामने ये जो कैपेसिटर रखे हुए हैं, ये सब हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप मदरबोर्ड में यूज़ होने वाले कैपेसिटर्स है, ठीक है। इन्हें असेंबली कंपोनेंट्स यानी असेंबली कैपेसिटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है। धातु की दो प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखकर प्लेटों में से एक एक तार निकल दिया जाए तो इस तरह बने डिवाइस को कैपेसिटर कहा जाता है। कैपेसिटर एक बैटरी की तरह काम करता है, यह करंट को स्टोर करता है। जिस प्रकार टंकी में स्टोर पानी को दोबारा निकाला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर में स्टोर किए गए आवेशों को भी दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कैपेसिटर कैसे काम करता है, व्हाट इज कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। धातु के दो प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखकर प्लेटों में से एक एक तार निकाल दिया जाए तो इस तरह बने डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर एक बैटरी की तरह काम करता है, यह करंट को स्टोर करता है। जिस प्रकार टंकी में स्टोर पानी को दोबारा निकाला जा सकता है, उसी तरह से कैपेसिटर में स्टोर किए करंट को भी हम दोबारा उसका यूज कर सकते हैं। देखिए, कैपेसिटर कैसे होता है। देखिए, ये जो है नीचे यहाँ पे, यह है कैपेसिटर का सिंबल और अभी हम देखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब कैपेसिटर कैसे बना हुआ होता है। देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कनेक्शन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कनेक्शन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर का बाहरी वाला जो भाग होता है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। एक एल्यूमिनियम की वो कैप होती है जिसपे एक प्लास्टिक का आवरण लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये है आपका एल्यूमिनियम का कैप और उसके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन। देखिए, ये दोनों जो प्लेटें हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो इनके साथ ये पेपर लगा हुआ होता है जो जिसे हम प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। ये मेटल प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव मेटल प्लेट और एक नेगेटिव मेटल प्लेट, और उसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें क्या, जिसमें वो हमारा करंट स्टोर हो जाता है। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में जब सप्लाई आता है तो इनके जो जो चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, वो एक तो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे उसमें करंट स्टोर हो जाता है। देखिए, कैपेसिटर के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, कैसे काम करता है। कैपेसिटर का काम विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करना होता है और विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना होता है। कैपेसिटर के इस प्रक्रिया को हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया कहते हैं। कैपेसिटर के द्वारा विद्युत को स्टोर करने की क्षमता को कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस को हम मतलब मदरबोर्ड और स्कीमेटिक डायग्राम में सी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। कैपेसिटेंस को एफ से मापा जाता है, एफ माने फैराड। देखिए, कैपेसिटेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक हजार पिको फैराड, इसका मतलब होता है एक किलो पिको फैराड, और एक हजार किलो पिको फैराड मतलब एक माइक्रो फैराड, और दस लाख माइक्रो फैराड मीन्स एक फैराड। इस तरह से हम कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करते हैं। कैपेसिटर का सर्किट में जो काम होता है वो क्या होता है, कैपेसिटर का विभिन्न सर्किट में प्रयोग का वो काम। कैपेसिटर में मुख्य काम एसी को पास करना और डीसी को रोकना होता है, और वो किन किन सर्किट में यूज होता है। देखिए,
कैपेसिटर को हम फिल्ट्रेशन सर्किट में यूज़ करते हैं, कपलिंग सर्किट में यूज़ करते हैं, उसके बाद डिले टाइमिंग सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, और कैपेसिटर पोलरिटी में यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कैपेसिटर्स को जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव करना है वहाँ पे हम कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, देखिए पोलरिटी के हिसाब से कैपेसिटर के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक पोलराइज कैपेसिटर और दूसरा नॉन पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर हम किसे कहेंगे? ऐसे कैपेसिटर जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होता है, मतलब कैपेसिटर का जो दोनों जो सिरे होते हैं, एक होता है उसमें पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, तो उन कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं? पोलराइज कैपेसिटर। इन कैपेसिटर को सर्किट में लगाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव सिरे को सर्किट में पॉजिटिव सप्लाई में ही जोड़ना होता है और नेगेटिव को हम ग्राउंड में नेगेटिव में हमें जोड़ना होता है, तभी ये काम करते हैं। अगर हम इन्हें उल्टा लगाएंगे तो सर्किट आपका जो कैपेसिटर होता है वो फट भी सकता है, वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, और जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होते, इसलिए हम वो कैपेसिटर को कैसे भी सर्किट में लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए आप ऊपर जो देख रहे हैं ये है आपके पोलराइज कैपेसिटर और नीचे की तरफ है आपके नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ठीक है, अब ये जो पोलराइज कैपेसिटर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि वो पॉजिटिव किस साइड में होता है और नेगेटिव किस साइड में होता है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर्स है ये सब कैपेसिटर्स आपके लैपटॉप मदरबोर्ड और डेस्कटॉप मदरबोर्ड में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इन्हें, यहाँ पे नेगेटिव या ये सिरा पॉजिटिव और यहाँ वाला ये वाला सिरा नेगेटिव, ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा नेगेटिव, यहाँ पे ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा नेगेटिव। ठीक है, और नीचे दिए गए हैं ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर, इन्हें कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी नहीं होती, तो इन्हें हम सर्किट में कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए अब ये जो कैपेसिटर्स है आप देख सकते हैं ये सर्किट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्किट में यहाँ पे प्लस प्लस पॉइंट दिख रहा है आपको, माने ये पॉजिटिव है और यहाँ पे जो वाइट लाइन है यानी ये नेगेटिव है। और कैपेसिटर्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो आप ये जो माइनस की एक लाइन गई है गोल्डन लाइन, यानी ये क्या है, ये आपका नेगेटिव साइड है और दूसरा जो होता है वो पॉजिटिव साइड। इन कैपेसिटर के ऊपर आप देख सकते हैं इनका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, जैसे अभी यहाँ पे 10 वोल्ट है और 1000 माइक्रोफेरेड होता है। ठीक है, यूएफ जो होता है ना वो होता है माइक्रोफेरेड। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी 25 वोल्ट और मेरे ख्याल से 560 माइक्रोफेरेड ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये आपका पॉजिटिव सिरा है, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरी साइड जहाँ पे ये नीला थोड़ा सा लगा हुआ है वो नेगेटिव साइड होती है, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से, और ये नॉन पोलर कैपेसिटर देख सकते हैं आप, इन्हें कोई पोलरिटी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे उन्हें कोई साइन नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव का, पोलरिटी का। ठीक है, तो इस तरह से मदरबोर्ड में ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कैपेसिटर्स होते हैं। और देखिए इन कैपेसिटर को हम चेक कैसे करते हैं, देखिए अभी चेक करने का जो एक प्रैक्टिकल है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ओरली मैं आपको बता देता हूँ कि कैपेसिटर को हम कैसे चेक करते हैं। तो देखिए कैपेसिटर में, कैपेसिटर को जब आप ऐसा वाला अगर आपको कैपेसिटर चेक करना है तो सबसे पहले इसका जो एक पॉइंट है, मतलब इसका जो एक सिरा है उसको आपको मदरबोर्ड से निकालना होगा। ठीक है, जैसे अभी एक सिरा निकाल दिया, तो मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यू टेस्टिंग पे रखना है। जैसे आप कंटिन्यू टेस्टर पे रखेंगे तो नेगेटिव वाला जो ब्लैक सिरा होता है, ब्लैक प्रॉप होता है, वो आपको इसके ब्लैक प्रॉप पे रखना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव के प्रॉप पे रखना है, प्रॉप को इसके पॉजिटिव सिरे पे रखना है। तो होता क्या है, अगर ये एक शॉर्ट बीप देता है और उसके बाद बीप बंद हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके मल्टीमीटर के थ्रू जाने वाला जो करंट है, मतलब जो जहाँ पे वो कंटिन्यूटी आपको सुनाई देती है, बीप जो बचता है। ठीक है, तो होता क्या है, उन प्रोब में से करंट जाता है आपके कैपेसिटर में, तो वहाँ पे करंट वो स्टोर हो जाता है, उसके बाद बीप देना बंद हो जाता है। जब तक, मतलब क्या हो गया, आपका ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद क्या होगा,
अब अगर वो प्रॉब निकल के वापस से लगाएंगे तो कोई बीप नहीं देगा, ठीक है। और जब आप वो कैपेसिटर के दोनों सिरे को शॉर्ट करेंगे, इसका मतलब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, तो वापस से आप जब आप प्रॉब लगाएंगे कंटिन्यूटी का, तो वापस से आपका शॉर्ट बीप बजेगा, वापस से बंद हो जाएगा। मतलब यह क्या हो गया, वापस से आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है। और ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, इनको भी आपको ऐसे ही चेक करना है कि इसमें एक तो लॉन्ग बीप अगर बजता है कंटिन्यूसली, तो समझो आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ठीक है। और कोई भी कंटिन्यूटी दिखाई नहीं देती, मतलब कोई भी रीडिंग नहीं दिखाई देती, इसका मतलब आपका कैपेसिटर ओपन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में आपका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, ठीक है। कैपेसिटर को आप जब चेक करते हैं, तब आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए। जब वो चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, समझ लो कि आपका कैपेसिटर अच्छा है। इस तरह से कैपेसिटर चार्ज किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।